of this crowd differs from a good portion of this crowd. Why the genders agree to disagree? Okay? Why? औरतों को मर्दों को समझने में और मर्दों को औरतों को समझने में मुश्किलें आती हैं। एक छोटा सा किस्सा है मिस्टर और मिसेस शर्मा का, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे हॉस्पिटल में मिसेस और मिस शर्मा नहीं है। घाटकोपर में रहते हैं और उनके दो स्कूल जाते हुए बच्चे, दे हैव टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। मिस्टर शर्मा बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मैन है, हर वो चीज करता है जो एक आदर्श आदमी को करनी चाहिए। बीवी की बातें भी सुनता है और टीवी नहीं देखेगा मगर बीवी को सुनेगा। अपने कपड़ों का भी ख्याल रखता है, खुद आयरन करता है और घर पे टाइम पे आ जाता है। मिसेस शर्मा के क्या कहने हैं, घर का पूरा ख्याल रखती है, किसी और की बातें नहीं करती, नो गॉसिप, गपशप नहीं, बार बार एक बात दोहराना तो उनको आता ही नहीं है, और हमेशा मेहमानों को मुस्कुरा के स्वागत करती है। एक दूसरे के साथ वो लोग बहुत खुश हैं। कभी भी कोई अनबन होती है तो संभाल लेते हैं बिना कोई झगड़े के, एक दूसरे के साथ हमेशा तालमेल रखते हैं और एक दूसरे की हर तारीख, हर एनिवर्सरी, हर बात को टाइम पर याद रख के मनाते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दी तो उसकी कदर भी करते हैं। मैं बहुत जलता हूँ शर्मा जी से, अगर ये ऐसा किस्सा सच हो तो मैं झूठ बोलता हूँ, कितने लोग मानते हैं? एक ईमानदार आदमी ईमानदार होता है तो चांसेस ज्यादा हैं कि मिस्टर और मिसेस शर्मा की नहीं पटती। हाँ, वो लोग अक्सर लड़ते रहते हैं। हकीकत तो ये है कि आदमी और औरत शादी इसलिए करते हैं कि वो लोग लड़ सके। तो हम लोग खेलेंगे कौन बनेगा सही साथी। अब मैं यहाँ पर कुछ चॉइसेस दूंगा जो आपको उसमें से सही चॉइस के ऊपर हाथ रेस करना है। तो मैं बोलूंगा ए, तो जितने लोग ए के साथ हैं वो उनका हाथ रेस करें, ठीक है? हर सवाल के बाद पहले हम लेडीज की ओपिनियन लेंगे और फिर हम जेंट्स की ओपिनियन लेंगे। एवरीबॉडी विद मी? गुड। अगर जरूरत पड़ी तो सर ने कहा ओके। बिटवीन मेन एंड विमेन, स्त्री और पुरुष के बीच में कितनी समानता है, हाउ सिमिलर आर द टू ऑफ देम, उनके सोचने का तरीका, उनके करने का तरीका और जो फैसले वो करते हैं। तो पहला सवाल है कि आप दोनों यानी स्त्री और पुरुष कितने एक जैसे हो। चॉइस ए है एक्सट्रीमली डिसिमिलर, पूरी तरह से अलग विभिन्न। चॉइस बी है 50-50। चॉइस सी है एक्सट्रीमली सिमिलर, एकदम एक जैसे। और चॉइस डी है मोस्टली सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर। तो आपको थोड़ा टाइम लेते हैं हम। लेडीज बी, एक मिनट, बी वाले कितने हाथ पर? बी बोल रहे हैं 50-50। अब मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पर पहली बार अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्री कर चुका हूँ और जहां जहां मैंने किया है वहां के मैंने रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए हैं, वो स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। हम एक बार मेजॉरिटी बी के लिए बोल रहे हैं, डी के लिए कोई बोल रहा है? बहुत थोड़े लोग हैं। ओके, जेंट्स को पूछते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन। मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने एक्सट्रीमली डिसिमिलर, आप देखते हैं कि 80 पीपल, चॉइस बी के लिए जस्ट 2, चॉइस सी के लिए 10, अब ये फर्क क्यों है? साइंटिफिकली पिछले 20-25 सालों में एक फंक्शनल एमआरआई करके एक जांच आई है जिससे मालूम पड़ा है कि ब्रेन दिखने में तो सिमिलर है, काट के माइक्रोस्कोप भी सिमिलर है, मगर फंक्शनली दोनों के ब्रेन अलग हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो एक सिंपल तरीके से मैंने दर्शाने की कोशिश की है, वायरिंग ही पूरी अलग है।
ऊपर मेन का ब्रेन है और नीचे वुमेन का ब्रेन है। अभी एक सच्ची बात तो बतानी पड़ेगी कि औरतों का ब्रेन मर्दों के ब्रेन से 150 ग्राम हल्का होता है, और वो इसलिए होता है कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो फैट बनता है ना वो मर्दों में ज्यादा होता है। तो बहुत सारा फर्क है। अगर दो स्त्रियां एक दूसरे को देखती हैं तो वो कितनी सारी चीजें ऑब्जर्व करती हैं। मिस्टर और मिसेस शर्मा एक पार्टी हॉल में जाते दरवाजे पर हैं। जैसे एंट्री हुए मिसेस शर्मा बोलती है, अरे देखो मिसेस पोपट ने कैसे कपड़े पहने हैं। वो यूं खड़ी रह करके ऐसे बोलती है, और मिस्टर शर्मा मिसेस पोपट कहाँ है। तो ईश्वर ने लेडीज को पेरिफेरल विजन भी अच्छा दिया है और एक ऑब्जर्वेशन का एक्यूमेन भी बहुत अच्छा दिया है। जाके मर्द लोग देखते हैं, आदमी अपने आप को कांच में देखता है तो उसको 8-10-12 पैक दिखते हैं, और लड़की अपने आप को देखती है तो वो हमेशा उस अपने आप को मोटी महसूस करती है। ठीक है, थोड़ा सीरियस बात। तो वो सबसे ज्यादा अपना टाइम क्या करते हुए बिताता है? ए सिटिंग एंड लिसनिंग टू वाइफ और प्लेइंग विद किड्स। हेलो, डी वॉचिंग न्यूज और क्रिकेट ऑन टीवी। अरे हेलो, सी फ्लिकिंग चैनल ऑन टीवी। डी बोथ बीएमसी। हमने लेडीज की आवाज तो सुन लिया, हमने तो टाइम भी नहीं दिया आपको। अब हम जेंट्स को पूछते हैं, व्हाट इज इट? It's D. Now let's look at that. 10 people said sitting and listening to wife or playing with kids. 5 people said watching news or cricket on TV alone. 20 people said flicking channels on TV and 6-5 people said both B and C. Okay? तो औरतों को लगता है कि साले को दफना दो उसके रिमोट के साथ। वो इसलिए कि हजारों लाखों साल पहले जब आदमी अभी सिविलाइज नहीं था, जब वो शिकारी था, तो पूरा दिन शिकार करने के बाद वो जो पूरा कस्बा था, वो जो पूरी कौम थी, वो एक आग लगाते और आग के पास बैठ जाते। औरतें एक साथ में बैठती और एक दूसरे के साथ बातें करती और आदमी आग को यूं ताकता रहता। आज शिकार नहीं करते हैं, आज आग नहीं लगाते घर पे, आज टीवी। आदमियों के लिए करना जरूरी है। जब वो घर पे आते हैं और वो टीवी देखते हैं तो वो उनका स्ट्रेस रिलीफ करने का तरीका है। दैट इज देयर वे ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस। कुछ सोच नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, मगर थोड़ी देर ऐसे बुध बन के बैठे रहना उनके लिए जरूरी है। टीवी पूछती है आदमी को कि भाई आप घर पे आ गए, वो बात करना चाहती है। How was your day? आपका दिन कैसे था? क्या किया था? तो आदमी क्या बोलता है? ये क्या करता है? सारे दिन में जो कुछ हुआ उसके लिए दिखाना है। हाँ? या कुछ? और डी पहले अपनी डिटेल देता है, फिर बीवी की डिटेल पूछता है। व्हाट अबाउट द जेंट्स? फर्स्ट कॉमन आंसर, एवरीबॉडी एग्रीज यूनिवर्सली ऑन सी। 11 सर, कोई कोई झूठी बोलता है। देयर यू गो। ओके, आदमी बोलता है
देख तुम वहां पहुंच जाना, हाँ ये वहां से वहां ऐसे जाना है, यहाँ से वहां से उस रास्ते से निकल के वहां से लेफ्ट मार के वहां पहुंच जाना। तो डायरेक्शंस देता है जब शोहर, जब आती अपनी बीवी को, तो बीवी कहाँ पहुंचेगी? लेफ्ट और राइट के बीच में कंफ्यूज होती है। ए बी विल से राइट व्हेन शी शोज लेफ्ट डायरेक्शन। सी रीचिंग शार्प ऑन टाइम विदाउट एनी कंफ्यूजन। ऑनेस्टली थैंक यू। डी बोथ ए एंड बी। ए एंड बी। देखते हैं तेरा भी नेविगेशन है ना। Yeah, it's both A and B. That is because brain में जितनी जगह visuospatial discrimination के लिए दी है वो मर्दों में औरतों के मुकाबले में ज्यादा दी गई है, तो इसलिए मर्दों को रिवर्स पार्किंग करने में भी आसानी होती है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि लेडीज को जब टाइट स्पॉट रहता है तो वो खड़ी हो जाती है गाड़ी के बाहर, can you please park it for me? एक बात जो पुरानी स्लाइड में बताना भूल गया कि थका हुआ घर पे आता है तो वो खाली गुड कह के क्यों चुप रह जाता है? क्योंकि ईश्वर ने जितनी जगह ब्रेन में, जितना सरफेस एरिया, कार्पेट एरिया जिसको बोलते हैं, फीमेल्स के ब्रेन में लैंग्वेज के लिए दी है, वो मर्दों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। एक दिन में एक आदमी 7,000 वर्ड्स, एक्सप्रेशंस या जेस्टर्स, इशारे यूज करता है 7,000, और एक दिन में एक लेडी 20,000। तो जब दिन खत्म हो जाता है तो वो बेचारा 6,900 खत्म कर चुका है, और बीवी पूछती है कैसा रहा, तो बोलता है ठीक, तो बीवी बोलती है अब तो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं। मगर फिर ऑफिस से फोन आता है और वो ऑफिस के आदमी के साथ लंबी चौड़ी बातें कर लेता है, तो बीबी बोलती है अगर तुम्हारे 7,000 खत्म हो गए थे तो ये बातें कैसे की? रिजर्व पे बिल्कुल सही, बोलचाल पे एकदम चढ़ जाती है। आदमी को सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैन इज नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशन। चॉइस ए। The woman stops discussing beyond the point. See, woman goes on talking about the issues, not fixing them. The man goes on talking without trying to solve the problem. Yeah, I think we are all on the same plane. And you see, without doubt, it's again. See that takes them. It is, but there are some differences. Patience that males have with sex. And this again is evolutionary. Because at that time, hazaron saal pehle, survival was an issue. And, propagation of the species was an issue. That hasn't changed much, although man has got civilized so much. There is a small dot here, छोटी सी जगह है, which says hearing children in the middle of the night neuron. बहुत छोटी है, तो आदमी रात को बच्चों की आवाज सुन के कभी नहीं उठता। फिर ये दो छोटे डॉट और हैं, domestic skills, घर के काम काज करने, और एक और छोटा डॉट है ironing skills, synapse. हाँ, एक और छोटा डॉट यहाँ पर ये भी है, listening neuron. हाँ, अब हम देखते हैं औरतों का दिमाग है parallel parking neuron जो मैंने बताया, और ये है sense of direction cell, और एक और छोटा इलाका, बड़े बड़े इलाके तो बहुत हैं, एक और छोटा इलाका है after marriage sex neuron.